Hello friends, our today's topic is trigonometry, and today we are going to solve exercise 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equals to 24 cm, BC is 7 cm, and we have to determine the following values, which is sin A, cos A, sin C, cos C. So, सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में उसको देख के डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे. चलिए डायग्राम बना लेते हैं. एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे सबसे पहले. चलिए हमारा ट्रायंगल है और इसमें ए बी है 24 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले नेमिंग करनी पड़ेगी ए बी सी, और बी को आपको यहाँ पे रखना है. क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है? वो बी पे है. सो ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ओके, एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर. सो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपकी जो थर्ड साइड है वो आ जाएगी 25. आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तीनों जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. आप इजीली जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए अब हमारी थर्ड साइड तो आ गई है. अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है साइन ए एंड कॉस ए. चलिए साइन ए की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, ये आपको पता होगा, और कॉस ए की वैल्यू होती है बी बाय एच. चलिए ट्राइंगल से देख लेते हैं साइन ए कॉस ए. साइन ए पी अपॉन एच इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25. ओके कॉस ए की वैल्यू देख लेते हैं. कॉस ए होगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस इज 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25. ओके चलिए सेकेंड वाले पे मूव करते हैं. सेकेंड वाले में देखते हैं, इसमें आपको साइन सी और कॉस सी दिया हुआ है. तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस बार एंगल जो है वो चेंज हो गया है. इस बार साइन सी और कॉस सी है, सो इस बार एंगल जो है वो आपका सी है. तो आपको इसे ध्यान से करना है. चलिए बता देता हूँ अगेन, जो इसका रेशियोज होंगे पी बी एच के टर्म में जो रेशियोज होंगे वो सेम रहेंगे. साइन पी बाय एच होगा, कॉस बी बाय एच होगा. सो रेशियोज तो सेम रहने वाले, बस आपको एंगल सी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को देखना है. चलिए एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? उसके सामने वाली साइड, विच इज 24. ओके, और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा 25. अब कॉस सी को देख लेते हैं. सो एंगल सी के टर्म्स में बेस कौन सा हो जाएगा? 7, जो उस एंगल को कंटेन कर रहा है. देख रहे हैं, ये 7 जो है इस एंगल को कंटेन कर रहा है. 7 साइड जो है वो उस एंगल से टच हो रहा है. सो ये हो जाएगा आपका बेस. सो बेस इज 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25. सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Now let us begin with the question number 2. In figure 8.13, find 10P minus cot R. Figure आपके सामने दिया हुआ है. PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, PR is 13 सेंटीमीटर. QR जरा कैलकुलेट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. सो QR square is equals to 13 square minus 12 square. सो QR square कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144. सो क्यू आर स्क्वायर हो गया आपका 25, देन क्यू आर विल बी 5. सो ये जो साइड आ गई आपकी 5 आ गई. अब हमें इसके बाद देखना है 10P की वैल्यू. चलिए 10P की वैल्यू निकाल लेते हैं. ओके 10P मतलब आपको जो है ध्यान से देखना है इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल P की बात कर रहा है. सो एंगल P के रिस्पेक्ट में आपको 10 पता है होता है P अपॉन B, विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो एंगल पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया आपका उसके सामने वाली साइड, द साइड विच इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, वो कितना है? 5 है. सो ये हो जाएगा 5, और बेस बेस आपके लिए हो गया 12 सेंटीमीटर. ओके अब कॉट की वैल्यू देख लेते हैं. कॉट आर चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा. कॉट आर होगा बी बाय पी. ओके ये जो है रेसिप्रोकल होता है 10P का. 10P है जो 10 होता है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है. सो यहाँ पे पी बाय बी है, सो ये बी बाय पी हो जाएगा. अब एंगल आर के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं ज़रा. ये रहा आपका एंगल आर, इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा? 5, और परपेंडिकुलर क्या होगा? 12. तो चलिए लिख लेते हैं, बेस होगा 5 और परपेंडिकुलर होगा 12. चलिए अब हमसे पूछा है 10P माइनस कॉट आर. सो आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, 5 बाय 12 5 बाय 12. सो 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12. सो आंसर कितना आ जाएगा? 0. सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2.
चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सो इसको यूज करके जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्राइंगल, इसमें साइड्स को मार्किंग कर देते हैं, जो एजेस हैं वर्टाइसेस उनको मार्किंग कर देते हैं, ए बी एंड सी। इसके बाद देखिए साइन ए 3/4 दिया हुआ है, इट मीन्स साइन ए 3/4 है, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा। चलिए सो ये 3 और 4 हो गया। अब आपको कैलकुलेट करनी है थर्ड साइड, विच इज ए बी, क्योंकि थर्ड साइड की जरूरत पड़ेगी कॉस ए और टेन ए को कैलकुलेट करने में। थर्ड साइड देख लेते कितना होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4² - 3² ओके। सो ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 4² विच इज 16 माइनस 3² विच इज 9। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 आपका 7 हो जाएगा। चलिए सो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा √7। चलिए ए बी की आपकी वैल्यू होगी, उसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी की वैल्यू होगी √7। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस देखिए क्या है, √7 और हाइपोटेनियस क्या है, 4, ठीक है। अब टेन ए की वैल्यू देख लेते हैं, टेन ए की वैल्यू जो है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इसमें क्या दिया हुआ है आपका, 3 दिया हुआ है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर 3 है, और हाइपोटेनियस क्या है, सॉरी बेस क्या है, बेस इज √7 ओके। सो आपकी कॉस ए की वैल्यू बी बाय एच, सो √7/4, और टेन ए की वैल्यू पी बाय बी, सो 3/√7। सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A sec A। सो 15 cot A जो है आपको 8 दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछी है sin A की और sec A की। सो सबसे पहले जो है इसको यूज करके ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। चलिए 15 cot A दिया हुआ है 8, सो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 8/15 ओके। आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ 15 देख के, बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है लाइक 10 इज इक्वल्स टू 5/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको 15 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, तो 8/15 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए इस ट्राइंगल में देख लेते हैं, आपको cot A जो होता है वो होता है बी बाय पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो अगर ये वर्टाइसिस ए है, ये बी है और ये सी है, सो इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस जो है वो आपका 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। सो बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ए सी, तो चलिए ए सी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8² + 15² चलिए ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ये हो जाएगा 64 + 15 का स्क्वायर इज 225 ओके। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 + 225 हो जाएगा 279 ओके। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी 289 हो गई है ओके। सो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 289, सो ए सी आपका कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 17। सो ए सी आ गया 17। और एक और चीज़, आप इसे डायरेक्टली जो है एग्ज़ाम में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जो 17, 15 और 8 होता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है, ठीक है। सो आप इसे डायरेक्टली जो है थर्ड साइड को 17 ले सकते हैं, आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पर मूव हो जाते हैं। साइन ए और सेक ए दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक ए, सेक ए की वैल्यू देखते हैं। सेक ए होता है कॉस का उल्टा, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है पी अपॉन एच, सो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं ना, अगर आप कन्फ्यूज़ होते हैं तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, जल्दी याद हो जाता है। चलिए सेक ए हो जाएगा एच अपॉन पी।
So hypotenuse is 17 and perpendicular is 15. Now we'll begin with the question number 5. Given sec theta is equals to 13/12, calculate all other trigonometric ratios. So sec theta आपको 13/12 दिया हुआ है और बाकी के जो trigonometric ratios हैं वो आपको calculate करना है. So इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. Sec theta is equals to 13/12 और sec होता है h upon b, because ये cos का reciprocal होता है. Cos b by h होता है तो sec h upon b होता है. So ट्राइंगल में आपका हाइपोटेन्यूस होने वाला है 13 और बेस होने वाला है 12. सो यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं. ये रहा ट्राइंगल आपका. इसमें हाइपोटेन्यूस कितना होने वाला है 13, और अगर ये थीटा है ओके सो बेस होने वाला है आपका 12. बेस 12 हो गया और ये 13 हो गया. चलिए बेस 12 हो गया और ये 13 हो गया. अब इसके बाद ये साइड कैलकुलेट करनी होगी, तो इसे नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी. सो आपको अब कैलकुलेट करना है बी सी. सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13² - 12². चलिए देख लेते क्या आएगा. बी सी इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13² इज 169 - 144. सो बी सी आ जाएगा 25. सो बी सी हो जाएगा 5. सो डायरेक्टली आप मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं 13, 12 और 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं एक ट्रायंगल में. ठीक है. सो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स ये हैं जो कि एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. सो जो थर्ड साइड होगा वो 5 ही होगा. ओके चलिए अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं. साइन ए देख लेते हैं. सबसे पहले साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है 5, हाइपोटेन्यूस इज 13. इसके बाद कॉस देख लेते हैं. कॉस ये से थीटा कर लीजिए ओके एक ही जगह. कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना होगा इस ट्रायंगल में 12 है और हाइपोटेन्यूस 13 है. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10. 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो 10 थीटा में परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12. उसके बाद कॉट थीटा देख लेते हैं. कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 10 का रेसिप्रोकल होगा. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, चलिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, इट मींस 12/5. अब लास्ट कॉसेक, कॉसेक थीटा बचा हुआ है. कॉसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. साइन पी अपॉन एच है, सो ये एच अपॉन पी हो जाएगा और वैल्यू भी इसकी रेसिप्रोकल ही होगी. ये 5/13 है, सो ये 13/5 हो जाएगा. आप यहाँ से देख भी सकते हैं हाइपोटेन्यूस 13 है, बिल्कुल सही, और परपेंडिकुलर 5 है. परपेंडिकुलर आपका 5 है. सो ये आपका सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. इसके लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस ट्राइंगल में आपको एक्यूट एंगल्स रखना है. किस किस को? A और B आपके एक्यूट एंगल होंगे. सो A और ये B, और जो थर्ड वर्टाइसिस बचा वो C हो जाएगा. और ये A और B दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल है. अब इसमें देख लेते हैं, आपको cos A cos B इक्वल दिया हुआ है, आपको एंगल A और एंगल B प्रूव करना है. सो जो गिवन डेटा है उसको लेके चलेंगे. यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी ये आपको दिया हुआ है. अच्छा कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस आपको देखना है एंगल ए के लिए. ये जो एंगल ए है यहाँ पे और एंगल बी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको. जब कॉस ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें देखनी है. सो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा? ए सी. सो दिस इज ए सी अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी ही रहेगा दोनों केस में. अब कॉस बी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं. कॉस बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा? बी सी, और हाइपोटेनियस रहेगा ए सी. सो यहाँ से ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ए बी रहेगा, ये हाइपोटेनियस आपका क्या रहेगा? ए बी. सो यहाँ से ए बी और ए बी विल गेट कैंसल्ड. सो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. इट मीन्स ये जो AC साइड है ये इक्वल आ रही है BC की,
और अगर ये BC की इक्वल आ रही है मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये आपका हो रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आपका ट्रायंगल कैसा? आइसोसेलेस है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो दो साइड्स इक्वल हैं उनमें जो एंगल कंटेन्ड है वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सो इसे आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और यहाँ पे रीजन आउट करेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। और सेकेंड पार्ट में सॉल्व करना है कॉट स्क्वायर थीटा। सो सबसे पहले फर्स्ट वाले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसमें कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स जो ट्रायंगल बनने वाला है, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, उस ट्रायंगल का बेस क्या होगा? ये एंगल सबसे पहले थीटा, ट्रायंगल का बेस होगा 7 और परपेंडिकुलर होगा 8। चलिए 7 और 8 होगा तो ए बी और ये सी होगा, तो ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ए सी स्क्वायर हो जाएगा 7² + 8² सो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 49 + 64। सो ए सी स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 113। ओके, ए सी हो जाएगा √113। तो चलिए हमारी ए सी साइड आ गई है 113। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होगी उनको हम पहले लिस्ट कर लेंगे। जैसे हमें ज़रूरत है साइन थीटा की और कॉस थीटा की, सो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा पहले लिस्ट कर लेंगे। सो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मींस 8/√113। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस है 7 और हाइपोटेनियस है √113। चलिए अब इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 1 + 8/√113 1 - 8/√113। ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में देख लेते क्या आ जाएगा। डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 + 7√113 1 - 7√113। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ज़रा। इसमें देखिए ये आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे आप, सो 113√113 प्लस 8 हो जाएगा न्यूमरेटर √113 + 8 और यहाँ पे रहेगा √113। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, सो ये आ जाएगा √113 - 8/√113। चलिए डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा √113 + 7 और ये हो जाएगा √113 - 7 और यहाँ पे हो रहेगा √113 and √113। चलिए इसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, ये है a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। ओके, a प्लस बी, a माइनस बी इज ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a + b a - b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम प्रॉपर्टी लग रही है, सेम फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b। सो पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं, ये हो जाएगा 113 - 8² विच इज 64। ओके, चलिए इसको, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन √113 * √113। सो ये हो जाएगा 113। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये भी हो जाएगा 113 माइनस 7 स्क्वायर विच इज 49। ये कैसे हुआ, ये यहाँ पे हुआ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट ओवर 113 का स्क्वायर कितना होगा 113, और बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे 113 रूट में 113 रूट में दोनों मल्टीप्लाई होंगे सो 113 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 113 ही आएगा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा इसको। इसके बाद 113 माइनस 64 ये आपको करवाना है, और यहाँ पे 113 और 113 तो पहले कैंसिल हो गए, अब ये 113 माइनस 64 करवाई ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 4 विच इज़ 9 एंड 10 माइनस 4 विच इज़ 6। ओके 10 माइनस 6 सॉरी 4 आएगा, ये 10 माइनस 6 होगा 4, सो ये 49 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर देख लेते हैं, 113 माइनस 49 हो जाएगा 64, सो आपकी वैल्यू आ गई 49 बाय 64। ये था पहले पार्ट का सलूशन। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से कॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इस ट्रायंगल से। कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस क्या है आपके लिए बताइए, ये स्क्वायर है इसका तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे आप। बेस क्या है 7 है एंड परपेंडिकुलर आपके लिए 8 है, सो 7 बाय 8 का होल स्क्वायर, 7 होगा 7 स्क्वायर होगा 49 और 8 स्क्वायर होगा 64। नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इफ 3 कॉट इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। सो ये आपको चेक करना है एक्सप्रेशन ट्रू है या नहीं है यूजिंग दीज वैल्यूज। सो इसे लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 है, सो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 बाय 3। ट्राइंगल बना लेते हैं, कॉट ए की वैल्यू 4 बाय 3 है, सो जो ट्राइंगल बनेगा ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, और यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू 4 बाय 3 इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर होगा 3। अब आपको इसमें ए सी जो है वो कितना आ जाएगा, आपका ए सी 5 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए 5 आ गया। अब आपको अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, देख रहे हैं आप इस एक्सप्रेशन को, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं जैसे 10 स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इनकी वैल्यू आप एडवांस में लिस्ट कर लो। यहाँ पे 10 ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 बाय 4, और यहाँ पे कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस इज 4, हाइपोटेनियस इज 5। अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू देख लेते हैं, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनियस इज 5। अब इस इक्वेशन में इसे पुट करके देखते हैं ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं है। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए मीन्स 3 बाय 4 होल स्क्वायर, अगेन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मीन्स 3 बाय 4 होल स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 4 बाय 5 होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू ये थी माइनस साइन की वैल्यू 3 बाय 5, सो 3 बाय 5 होल स्क्वायर। अब इसे ज़रा कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बाय 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 बाय 16, और 1 प्लस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर 9 बाय 16, और इक्वल में आ जाएगा 4 बाय 5 मीन्स 16 बाय 25 माइनस 9 बाय 25। चलिए आगे इसे आगे देख लेते हैं, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा 16 माइनस 9, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे हो रहा है, और यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में 25 है, 16 माइनस 9 इज 7। उसके बाद 16 माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा 7, उससे पहले इसको कैंसिल कर देते तो छोटा हो जाएगा ये, 16 माइनस 9 आ गया 7 और 16 प्लस 9 आ गया 25, सो LHS तो हमारा 7 बाय 25 आ गया और RHS भी हमारा 7 बाय 25 आ गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
LHS is equals to RHS, hence it is true statement. Hence it is true statement. जो equation आपकी ऊपर दी हुई थी वो कैसी है? True है, वो सही है. Now we'll start solving the question number 9th. In triangle ABC, right angled at B, if tan is equals to 1 by root 3, find the value of first part sin A cos C plus cos A sin C, and in the second part we have to find the value of cos A cos C minus sin A sin C. So इस data का use कर लेते जो उन्होंने data दिया हुआ है. tan A is equals to 1 by root 3 है, और 1 by root 3 अगर tan है तो tan A होता है perpendicular upon base. Perpendicular है आपका 1 और base हो जाएगा root 3. So data को use करके triangle construct कर लेते हैं, और इसमें इसे A side दे देते हैं, ये B है और ये C है. यहाँ पे angle A है, चलिए मैं वापस से बना देता हूँ. हाँ चलिए, angle A है ये आपका और ये B है और वो C है. अब इसमें देखना आपको ये है कि perpendicular जो है वो A के respect में कितना है, 1 है, जो कि है A के respect में. देख रहे हैं सामने वाली side, the side which is in front of it is 1, और hypotenuse आपका है root 3, सॉरी बेस है आपका रूट थ्री. सो बेस रूट थ्री हो गया, और हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है आपको. सो वो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपका 2 आ जाएगा. वो मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ठीक है. अब आपको अगर ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो वैल्यूज जो इसमें रिक्वायर्ड हैं साइन ए की, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी, उनको आपको पहले से यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा. सो साइन ए है 1/2, कॉस ए है रूट थ्री बाय टू, साइन सी है रूट थ्री बाय टू, कॉस सी है 1/2. मैं आपको बता देता हूँ ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज कैसे आई हैं. चलिए, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो इस ट्रायंगल में ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? 1 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और हाइपोटेनियस तो 2 है हमेशा. आपको ध्यान रखना है हाइपोटेनियस हमेशा 2 रहेगा. कॉस ए की बात कर लेते हैं, सेम एंगल, एंगल ए के लिए बी, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस है आपका रूट 3, हाइपोटेनियस है आपका 2. अब एंगल सी वाले की बात कर लेते हैं. एंगल सी के लिए साइन सी आपको निकालना है. साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर आपका है रूट थ्री, देख रहे हैं सामने वाली साइड रूट थ्री, और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2. सिमिलरली कॉस सी के लिए देखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस हो जाएगा 1, एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2. अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन को. साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए और कॉस सी का मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब आपका साइन ए की वैल्यू है 1/2 और कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, और इसमें ऐड करवाना है आपको कॉस ए इंटू साइन सी. कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए है रूट 3/2, साइन सी है रूट 3/2. देख लेते हैं क्या वैल्यू आ जाती है. चलिए 1/2 इज 1/4 प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3 एंड 2 × 2 इज 4. इसे आप ऐड करेंगे सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 = 4, और डिनोमिनेटर में भी 4 है, इट मीन्स 1. सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1. सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम. कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, मतलब कॉस ए और कॉस सी का मल्टीप्लीकेशन, कॉस ए और कॉस सी का मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा रूट 3/2 इंटू 1/2. इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करवाना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, साइन ए और साइन सी, ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट 3/2. चलिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा रूट 3/4. सो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. सो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना होगा? 0. नाउ विल बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 cm एंड पी क्यू इज 5 cm, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. सो सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिससे जो है इमेज आपकी, जो पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए. चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं. आप ट्राइंगल में आपकी साइड्स कौन कौन सी है? पी क्यू आर ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल क्यू पे है. सो ये क्यू हो जाएगा, इसे पी ले लेते हैं और इसे आर ले लेते हैं. अब इसमें
पी आर प्लस क्यू आर साइड, मतलब पी आर ये रही साइड और क्यू आर साइड, क्यू आर ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड का जो एडिशन दिया हुआ है वो आपको 25 दिया हुआ है। सो पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का एडिशन आपको 25 दिया हुआ है, और पी क्यू आपको 5 दी हुई है। पी क्यू साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यू साइन पी कॉस पी टेन पी इनको कैलकुलेट करना है। सो ये तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे, बस आपको चाहिए क्या, आपको ये दोनों साइड की लेंथ चाहिए। अगर दोनों साइड की लेंथ आपको मिल गई तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ करके दोनों साइड की लेंथ आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक्स सपोज कर लेते हैं, इस साइड को आर क्यू साइड को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों का एडिशन 25 है और इसमें से ये साइड एक्स है, सो जो बची हुई साइड रह गई वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये समझ में आया आपको? एक साइड एक्स होगी, सो बची हुई साइड 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों साइड का एडिशन जो है वो 25 है। आप चाहे तो ऐड करके भी देख लीजिए, 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। चलिए अब दोनों साइड का एडिशन 25 था, तो हमने इसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे? हमें पता है पी आर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, वो होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और आपका हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर कितना है, देखिए क्यू आर ये है एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू इज 5, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। चलिए अब आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। इसी में इसमें जो है ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके इसे एक्सपैंड करते हैं। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एड एड ये प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मीन्स 2 ए विच इज़ 25, बी विच इज़ एक्स। अब ये इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 के। अब इसमें देखना आपको ये 625 में से आप 25 को सब्सट्रैक्ट करवाइए और एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो 625 माइनस 25 और ये रहेगा माइनस में 25 इंटू 2 इज 50x इज इक्वल्स टू 0। इस साइड कुछ भी नहीं बचा, आप 25 को इस साइड लेके आ गए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा 600, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करवाने के बाद आ जाएगा 600 और ये जो माइनस 50x है आप उसे उस साइड ट्रांसपोज करिए, सो ये हो जाएगा 50x। इसके बाद x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो 600 बाय 50 इज इक्वल्स टू x। एक्स कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 5 1 5 एंड 5 2 10, सो x की वैल्यू आपकी आ गई 12। चलिए x आपका 12 आ गया, सो इजीली जो है इसमें पुट करके x की वैल्यू 12 है, सो अदर साइड क्या है? 25 माइनस एक्स, इट मींस पी आर साइड कितनी हो जाएगी? यह है 25 माइनस एक्स, सो पी आर साइड हो जाएगी 25 माइनस 12, क्योंकि x क्या है? 12 है। सो पी आर कितनी कितना आ गया? पी आर इज इक्वल्स टू 13, मतलब आपकी ये वाली साइड क्या होने वाली है? 13 होने वाली है, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, चलिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें साइन पी कॉस पी टेन पी आपको कैलकुलेट करना है। अगर सो साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर देखिए आप इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर है आपका 13, परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनियस है 13। सो साइन पी की वैल्यू हो जाएगी 12 बाय 13। कॉस पी देख लेते हैं, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस कितना है आपका? 5 है और हाइपोटेनियस कितना है? 13 है, सो ये वैल्यू हो जाएगी 5 बाय 13।
Similarly, 10P hota perpendicular upon base. So perpendicular hai 12 and base is 5. So this was the solution for question number 10th. Let us start solving question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. So इस question को solve करने से पहले मैं आपको कुछ basic चीज़ें बता दूँ. जो sin theta और cos theta की value होती है वो हमेशा minus 1 से 1 के बीच में होती है. ये आपको ध्यान रखना है. मतलब वो value कभी भी 1 से बड़ी नहीं जाती है और minus 1 से छोटी नहीं होती है value. अगर number line पे आप देखना चाहें तो ये minus 1 है और ये 1 है और ये है आपका 0. सो इसकी वैल्यू हमेशा इसके बीच में ही रोटेट करती है. साइन और कॉस की वैल्यू, इन दो चीज़ों की वैल्यू हमेशा इस बीच में ही रोटेट करेगी, माइनस वन से वन के बीच में. अब इनकी जो रेसिप्रोकल होते हैं, इनके रेसिप्रोकल कौन होंगे? साइन का होता है कॉसिक थीटा और कॉस का होता है सेक थीटा. सो इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं उनकी वैल्यू जो है इस लिमिट के हमेशा बाहर होती है. इस लिमिट के बाहर होती है मतलब माइनस वन, ज़ीरो और प्लस वन. माइनस वन, ज़ीरो, प्लस वन, इनकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा यहाँ पे इन इस लिमिट के बाहर होगी. मतलब इनकी वैल्यू हमेशा माइनस वन से छोटी होगी और हमेशा प्लस वन से क्या होगी? बड़ी होगी. किसकी वैल्यू? कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू. ये आपको ध्यान रखना है. और एक और चीज़, कॉसेक थीटा की वैल्यू कभी भी माइनस वन नहीं होगी और सेक थीटा की भी वैल्यू कभी भी माइनस वन या प्लस वन नहीं होगी. ठीक है. सो ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट करना है आपको. ठीक है. मतलब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस वन से छोटी हो सकती है लेकिन माइनस वन नहीं हो सकती. सिमिलरली प्लस वन से बड़ी हो सकती है लेकिन प्लस वन नहीं हो सकती इनकी वैल्यूज़. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसमें टेन और कॉट पे आते हैं. टेन थीटा एंड कॉट थीटा. टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू एनी रियल नंबर हो सकती है. मतलब आपका जो नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट है और ये है नंबर लाइन प्लस इनफाइनाइट, ये जीरो है. सो टेन थीटा और कॉट थीटा कैन टेक एनी वैल्यूज. उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है नंबर लाइन पे. जो भी रियल नंबर होते हैं वो किसी भी रियल नंबर को टेक कर सकते हैं. ओके. चलिए अब क्वेश्चन में एक एक करके बढ़ते हैं. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन. सो यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि टेन ए की वैल्यू जो है वो कैसी लेस देन वन नहीं होती है. लेकिन आप एक ट्रायंगल के थ्रू भी बता सकते हैं. चलिए ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे. और इस ट्रायंगल में मैं इस साइड को, ये थीटा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, सॉरी, चलिए ये ए हो जाएगा और इसे मैं फोर या थ्री नाम दे देता हूँ. चलिए इसे थ्री साइड से थ्री लेंथ का कर देता हूँ और इसे फोर कर देता हूँ मैं. सो यहाँ से अगर आप टेन ए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से अगर आप टेन ए कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा? फोर बाय थ्री, जो कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है, ये ट्रायंगल पॉसिबल है. और ये ट्रायंगल अगर पॉसिबल है तो टेन ए की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ रही है? फोर बाय थ्री. और फोर बाय थ्री जो है हमेशा वन से बड़ा होगा बिकॉज यहाँ का न्यूमरेटर कैसा है? डिनोमिनेटर से बड़ा है. सो यहाँ तो ये बिगर आ रहा है वन से, ये वन से बड़ा है. और यहाँ पे ये कह रहा है इज ऑलवेज लेस देन वन. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि टेन ए की वैल्यू जो है वो वन से बड़ी भी हो सकती है और वन से छोटी भी हो सकती है. देख रहे हैं, ये है वन. सो वन से टेन ए की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और वन से छोटी भी वैल्यू हो सकती है. और उसको हमने ट्रायंगल के थ्रू भी देख लिया है. अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे. सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. अब इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम सेक ए देखते हैं. सेक ए होता क्या है? रेशो क्या होता है पी बी एच के टर्म में? सेक होता है बी, सॉरी, एच अपॉन बी. सेक होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस. सो इसकी वैल्यू 12/5 है और इसको अगर 12/5 से इक्वेट करो, इट मीन्स हाइपोटेनियस बड़ी साइड आ रही है और बेस छोटी साइड आ रही है, जो कि एक पॉसिबल वैल्यू है. ठीक है. सो ये आपका पॉसिबल है, ये ट्रू है, बिकॉज इसमें ऊपर वाला जो है वो हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला बेस को करता है. तो बेस छोटा हो सकता है, हाइपोटेनियस बड़ा हो सकता है. ओके. सो ये कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए. ये गलत हुआ है. कॉस ए जो है वो कॉसेकेंट के लिए नहीं होता है. फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं. कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. ये बिल्कुल ही फॉल्स है बिकॉज
अगर कहीं पे साइने लिखा हुआ है, इट कहीं पे साइने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन का और ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये गलत है। इसका मतलब होता है कि आप एंगल ए का साइन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उस एंगल ए का साइन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, चलिए फोर्थ तो हो गया, फोर्थ सॉल्व कर लिया हमने, फिफ्थ पे आ जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, सो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखते हैं क्यों फॉल्स है। देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो बड़ा है हाइपोटेनियस के रेशियो से, इट मींस जो ट्रायंगल बन रही है उसमें परपेंडिकुलर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन हाइपोटेनियस, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर, सो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। सो दिस वॉज आर क्वेश्चन नंबर 11।